बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर कुछ ही महीनों बाद दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ही करीना की हालत खराब हो गई। पत्नी की हालत देखकर सैफ भी बुरी तरह घबरा गए। 5 महीने की प्रेग्नेंट करीना की प्रेगनेंसी को खतरा भी हो सकता था, लेकिन समय रहते करीना सैफ ने संभाल लिया। करीना की प्रेगनेंसी में खतरा उनकी शूटिंग की वजह से हुआ। दरअसल करीना प्रेगनेंसी के 5 महीने पूरे होने के बाद भी शूटिंग कर रही थी। हालांकि उन्हें फिल्म मेकर और डायरेक्टर पूरी सुविधाएं और आराम दे रहे थे, लेकिन रोल करने के लिए करीना को काफी मेहनत और चलना फिरना पड़ रहा था, जिसकी वजह से करीना के पैरों में सूजन आ गई और वो थका थका सा महसूस कर रही थी। हालांकि कैमरे में करीना के पैर की सूजन ही दिखी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि करीना की पूरी बॉडी में सूजन आ चुकी है और ज्यादा काम की वजह से उनकी कई बार तबीयत भी खराब हो चुकी है। मतलब काफी दिक्कतों का सामना करके करीना अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे रही हैं। करीना की ऐसी हालत देखकर सैफ ने उन्हें फौरन ही शूटिंग छोड़ने को बोला। अब वो दिल्ली से शूटिंग खत्म करके मुंबई लौट आई है। घर आते ही सैफ करीना को हॉस्पिटल और परिवार से मिलवाने ले जाते हैं और इसी दौरान करीना की बॉडी की सूजन देखी जाती है। इस वक्त करीना के फैंस उनकी हालत देखकर उनकी चिंता जता रहे हैं। वैसे तो करीना इस वक्त अपना पूरा ख्याल रख रही हैं। वो अपनी पसंद की सारी चीजें खा रही हैं। आपको बता दें, अगले साल फरवरी के महीने में करीना बेबी को जन्म देने वाली हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि करीना की प्रेगनेंसी की वजह से फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में अटकलें पड़ गई थी। हालांकि फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी थी और आधी शूटिंग के दौरान जब मेकर्स को करीना की प्रेगनेंसी की खबर पता चली, तो उन्होंने ऐसा विचार बनाया था कि वो टेक्निकल कुछ ऐसा करेंगे जिसमें करीना का बेबी बम बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब फिल्म में ये चमत्कार देखने के लिए भी लोग काफी एक्साइटेड हैं। उम्मीद है कि करीना इस फिल्म की जर्नी का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगी, क्योंकि ये फिल्म करीना की जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो करीना को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें। मिलाम न्यूज रिपोर्ट।